हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज जॉब इन्फॉर्मेशन एंड माय नेम इज मनोज और आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में IDBI बैंक रिक्रूटमेंट 2021 असिस्टेंट मैनेजर नोटिफिकेशन का पूरी जानकारी। तो वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाली सभी जॉब नोटिफिकेशन का अपडेट रहने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यह रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन IDBI बैंक का एडवर्टाइजमेंट नंबर दी गई और इसका लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 अगस्त 2021 में आपका लास्ट डेट रहेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर दी गई आपको लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 22 अगस्त 2021 का। और प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर रिमिटिंग द फी एंड फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दी गई आपको साउथर्न एंड वेस्टर्न जोन का, आपको कौन सी स्टेट में कहाँ जोन में दी गई आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। साउथर्न एंड वेस्टर्न जोन में, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न जोन में आपको डिटेल्स दी गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर दी गई आपको वैकेंसी का डिटेल्स टेबल और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई, आपको एज दी गई है, आपको इस डेट का आपको जो कि एज काउंट की जाएगी फ्रेंड्स, आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई ग्रेजुएट और आपको मिनिमम होना चाहिए 60% और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 55% होना चाहिए कंपलसरी है फ्रेंड्स। और आपको जो कि एज बात करें तो फ्रेंड मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 28 ईयर्स है और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एजुकेशन दी गई। और आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा फॉर जो कि नवंबर 2021 में और आपको टोटल वैकेंसी दी गई 650 और अनरिजर्व के लिए 265 इसमें से और ST के लिए 97, ST 48, EW 65, OBC के लिए 175 दी गई है। ओके फ्रेंड्स, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दी गई, आप चेक कर सकते हो। कट ऑफ डेट ऑफ जो कि July 1, 2021 का आप दी गई है और यहाँ पर एज के बारे में दी गई है July 1, 1993 से लेकर 1 July 2000 बोथ डेट इंक्लूसिव, इस डेट से आप बात होना चाहिए फ्रेंड्स, तब जाके इस पोस्ट के लिए अब जो कि एलिजिबिलिटी हो सकते हो। और यहाँ पर एज रिलेक्सेशन दी गई है, SC ST के लिए 5 ईयर्स एज रिलेक्सेशन और OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD कैंडिडेट के 10 ईयर्स और अदर जो कि ECO और SSCO के लिए 5 ईयर्स एज रिलेक्सेशन दी गई और पर्सन अफेक्टेड बाई 1948 राइट्स के लिए 5 ईयर्स एज रिलेक्सेशन दी गई। और फ्रेंड्स, यहाँ पर दी गई 3 नंबर में जो कि नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी एंड पोस्टेज चार्जेस दी गई। एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस पेएबल जो कि फ्रॉम इस डेट से इस डेट आप करना पड़ेगा, जो कि SC ST PWD के लिए 200 होगा और अदर कैटेगरी के लिए 1000 होगा फ्रेंड्स। और बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस कन्वेंशन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी पोस्टल चार्जेस विल हैव टू बर्न बाय द कैंडिडेट। ओके, यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड में जमा कराना पड़ेगा फ्रेंड्स। हाउ टू अप्लाई दी गई प्रोसेस, यहाँ पर आप कुछ चेक कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देगी आप में तो आपको कह दे कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस हो तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए जो कि ऑनलाइन भर्ती समय। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 नंबर में दी गई एक्टिविटीज एंड डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए, अपनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेमेंट गेटवे आपको डेट दी गई देख सकते हो और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गेटवे फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दी गई और डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एट ऑल सेंटर टेंटेटिव यहाँ पर दी गई। और 8 नंबर में आपको दी गई फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस का, आपको पहले होगा ऑनलाइन टेस्ट CBT टेस्ट, उसके बाद आप क्वालिफाई करते हैं तो फ्रेंड्स आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको क्वेल लेटर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ द टेस्ट जो कि सिलेबस, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 दी गई और मैक्सिमम मार्क 60, यानी कि आपको 1 क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा फ्रेंड्स। और ऐसे ही इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स और जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस 60, यहाँ पर 60 मार्क्स होगा फ्रेंड्स। ओके, और आपको कॉम्पोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स दी जाएगी और पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर दी गई देख सकते हो, यहाँ पर 0.25 मार्क दी गई। 4 क्वेश्चन गलत हो रहा तो फ्रेंड्स आपको 1 क्वेश्चन जो कि कट जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, एनेक्सर वन में दिए गए स्टेट एंड सिटी नेम आपको सीबीटी टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन का सेंटर दी गई। यहाँ पर दी गई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए पोर्ट ब्लेयर दी गई। आंध्र प्रदेश के लिए ऐसे इस पर सिटी दी गई, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश के लिए दी गई, असम के लिए बिहार। आप चेक कर सकते हो आप कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो और उस सिटी का आप ऑनलाइन जो कि सेंटर चूज कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मैं इस नोटिफिकेशन को पूरी जानकारी दे दे और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। और इस नोटिफिकेशन का डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देगी, उससे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स। और साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली सभी जॉब नोटिफिकेशन का अपडेट रहने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।